तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, देखो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, सुनो ध्यान से बेटा। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, सरफेस का मतलब सरफेस। कोई भी ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, कोई भी ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे क्या चीज सेम हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ गए, लिखो दीज आर दोज सरफेसेस, लिखो दीज आर दोज सरफेसेस, दीज आर दोज सरफेसेस These are those surfaces at every point of which electrostatic potential is same. These are those surfaces at every point of which इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सेम। समझ गए, ऐसी कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो बेटा, सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए बात को। अब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो चीज है ये आप ड्रॉ कर लो, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आराम से पेंसिल से आपको ड्रॉ करनी है घर पे जाके। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेटा क्या है, पहले इससे ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लो। क्या बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप इसे नॉर्मल, ठीक है, सर्कल बना लो। देखो पोटेंशियल सेम, अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। इस पे कितना होगा, के क्यू बाय आर, क्योंकि रेडियस तो सेम है ना। तो बेटा पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी सफेरिकल होंगी। कैसी होंगी, थ्री डायमेंशनली सफेरिकल, लेकिन टू डायमेंशनली क्या, सर्कल। ये पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरी अगर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये कंसेंट्रिक सर्कल होंगे। क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल पॉइंट चार्ज की। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लेता तो भी यही आती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती, बस इक्विपोटेंशियल सरफेस तो यही आती बेटा। अब बात करते हैं डाइपोल की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है बेटा, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव पे इनवर्ड। अब ध्यान से समझना, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फील्ड हमने ड्रॉ कर ली, सर्कल होंगे पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज में वन बाय वन बताऊंगा। प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नॉर्मल होती हैं। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, नॉर्मल। दूसरी बात, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक होंगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे दूर दूर होंगी। अब ध्यान से समझना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या स्ट्रांग है, सोच के बताओ। साइड में कैसे चेक करोगे, प्लस वन चार्ज रखो। अगर मैं यहां पे प्लस वन रखता हूं बेटा तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, हो सकता है फील्ड जीरो हो जाए, तो बार तो वीक हो गया। यहां पे प्लस वन रखो,
बेटा ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस भी प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा स्ट्रांग है, कहां? बिटवीन, और बाहर क्या है? वीक। तो अब ध्यान से समझना बेटा, जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ध्यान से, देखो जो नोटिस करने वाली बात है, अगर सिर्फ पॉइंट चार्ज होता तो सर्कल होते, ये सर्कल तो नहीं है बेटा। अब देखो आप पॉजिटिव से उस तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम है और बेटा बाहर डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसीलिए ऐसी शेप आई है। और दूसरी बात, हर एक लाइन के साथ नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम यहां पर भी ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, ये किसकी वजह से हो गया? पॉइंट चार्ज। वो किसकी वजह से हो गया? डाइपोल। और थर्ड, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, उसके लिए देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया बेटा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब की बार बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और लेफ्ट और राइट स्ट्रांग होगा, है ना? तो पहले क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वजह से बने बने। ठीक है बेटा, अब देखो डायरेक्शन अवे, दोनों की वजह से अवे आएगी बेटा। ये सेंटर की जो लाइन है सिर्फ रेफरेंस लाइन है, वैसे ले ली मैंने, है ना, ताकि ये डायग्राम इजी हो जाए। अब देखो बेटा सर्कल, अब की बार उल्टे सर्कल बनेंगे। उल्टे मतलब कैसे? अंदर की तरफ, यहां से नजदीक होंगे और यहां से दूर। ठीक है, है ना? तो ये क्या हो गई बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू प्लस प्लस चार्ज। जब दो चार्ज नजदीक रखे हो, सिर्फ प्लस चार्ज ये, अगर डाइपोल हो तो वो, और अगर बेटा प्लस प्लस चार्ज हो तो ये, अगर माइनस माइनस चार्ज हो तब भी यही बनेंगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। देखो बेटा, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया यूनिफॉर्म, तो ये ऐसी बनेंगी। ये क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। दोबारा देखो एक बार, ठीक है बेटा, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ गए बात को? और अगर और अच्छे से देखोगे बेटा तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कब बेटा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म।
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन चल रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में कितना एंगल है, 90 डिग्री का नॉर्मल। तो ये बेटा आप जल्दी से इनको ड्रॉ कर लो और घर पे जाके फेयर ड्रॉ करना, ठीक है, करो जल्दी से बेटा इनको ड्रॉ। तो लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन, अच्छा ये तो लिखवाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। डन बेटा, ठीक है क्या, जो पोटेंशियल है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो जो डेल्टा वी आएगा कितना आएगा, जीरो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, राइट डाउन सेकंड प्रॉपर्टी, द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो जीरो। इज ऑल्सो जीरो। देखो अगर पोटेंशियल डेल्टा वी ही जीरो हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला याद है बेटा, वर्क डन मैंने आपको लिखवाया था, अगर हम बी से लेके ए तक वर्क डन करेंगे तो ये इक्वल होगा वी ए माइनस वी बी के, पर यूनिट चार्ज अगर चार से डिवाइड कर दो और तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज से, है ना। तो बेटा वी और वी बी तो सेम है, दो पॉइंट एक ही पे तो है ना, तो वी माइनस बी कितना हो जाएगा, वी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। सो डब्ल्यू बी ए भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी अगर इक्विपोटेंशियल कोई सरफेस है, एक पॉइंट से आप चार्ज को उठाओ दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, नोट कर लो, थोड़ा सा है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट लिखो बेटा थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बेटा क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल। कई बार इसका पेपर में प्रूफ मांगता है कि प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा है, कैसा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
नॉर्मल के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस से। हाँ हाँ, तो नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री। देखो कैसे प्रूव करेंगे बेटा इसको, देखो अकॉर्डिंग टू, या जैसा कि हम जानते बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, बताओ बेटा E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर, ठीक है, तो डीवी किसके इक्वल आ गया, माइनस ई डॉट डीआर। माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन होती है बेटा, सिंपल सी बात है, तो डीवी इसको नेग्लेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ई डी आर कोस थीटा, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर की। अब आपको पता है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, डीवी कितना होगा, जीरो होगा बेटा, तो जीरो इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा। भाई ना तो ई जीरो हो सकता ना डी आर जीरो हो सकता, कोस थीटा को ही बेटा कितना होना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। इट मींस अगर कोस थीटा जीरो डिग्री है तो थीटा कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। थीटा था किस किस में, ई और डी आर में, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में कितने डिग्री का कोण होता है बेटा, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रूफ तो आप प्रूफ ऐसे दोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट था, नोट करो जल्दी से। हाँ,